बहुत ही अलग प्रकार की फिल्म है, ये छोटे शहरों की कहानी है, हार्टलैंड ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, जो एक्चुअली इंडिया है। हम लोग बॉम्बे में जो दिल्ली मुंबई ये जो शहर हैं एक्चुअली इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो दीज स्टोरीज आर हार्टलैंड ऑफ इंडिया एंड यू नो खनक ने बहुत बढ़िया काम किया, उनकी पहली फिल्म है ये। मैं तो मतलब सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे लगा ही नहीं कि ये न्यू कमर हैं, तो इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। राज बब्बर जी हैं, पूनम ढिल्लन जी हैं, तो बहुत बढ़िया कास्ट है, बहुत बढ़िया छोटी सी फिल्म है। आई होप कि लोगों की उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। यार ये छोटे शहरों के ऊपर है जहाँ पर स्मॉल टाउन्स में वर्जिनिटी टेस्टिंग होता है और अभी भी लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में ओपनली बात करने में। तो ये फिल्म के थ्रू हम इस लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वर्जिनिटी ब्रेक हो सकती है, हाइमेन ब्रेक हो सकता है, नॉट जस्ट वन रीजन। Yeah, no, better to hear it from a woman than to hear from me. Nahin, but if men understand and they support us and they understand women, I think life will be easier. Yes. So, yeah. अच्छा मैम, क्या आप बोलना चाहेंगे बुलेट राइडिंग का, बस चलाना कैसा? क्या बहुत चलाई? हाँ, बाइक और बस चलाना पहले सीखा और चलाया फिल्म में, बहुत मज़ा आया। और अक्षय मेरे पीछे बैठते थे और मुझे गाइड करते रहते थे, वो डरते थे बैठने के लिए कि मैं गिरा ना दूँ उनको, बट बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उनको कि हाँ ये चला लेगी। एक्चुअली कोरी हमने वर्ड यूज़ किया है कुकड़ी प्रथा के लिए, जो एक प्रथा कुप्रथा है जो अभी भी इंडिया में बहुत स्टेट्स में हो रही है। तो वो कुकड़ी वर्ड ना यूज़ करके हमने कोरी बोला। जैसे हम बोलते हैं कि लड़की, बहुत सारी जगह में बोलते हैं कि लड़की कोरी है, या राजस्थान में बोला जाता है कि लड़की खरा माल है। तो ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए वुमेन को, पाक पवित्रा आप उस तरह से देखते हैं। यार मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है, आप चाहे पिज्जा उठा के देख लें, गुड़गांव देख लें, लाल रंग देख लो, काला कांडी देख लो, फाइटर देख लो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करूँ। एज एन एक्टर मैं भी, मेरे अंदर भी इजाफा आता है। और मैं कभी, आई थिंक मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि मैं क्राफ्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ये सब PR और नेटवर्किंग इस पर मेरे बस की बात नहीं है। देखो पूनम जी आ गए क्या सही मौके पर? एक्टिंग के अंदर, और अगर अलग प्रकार की फिल्में करूं तभी जाकर के उसका असर पड़ता है। और ये एक रोमांटिक फिल्म है, मैं काफ़ी सालों बाद कर रहा हूं, एंड जैसे आपने कहा अभी फाइटर थी वो एक्शन फिल्म है, तो कोशिश तो यही है यार कि मैं करता रहूं, अपने आप को पुश करता रहूं ताकि मैं और बेहतर काम करता रहूं। वाह वाह, क्या बुलंद आवाज थी, सबको चुप करा दिया। मैम क्या संदेश देना चाहेंगी इस मूवी के माध्यम से आप? देखिए हमारे समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कुप्रथाएं बोलते हैं, जिन्हें हम सालों सर देख रहे हैं बट जिस पे आवाज़ नहीं निकल उठाते हैं। और ये भारत के अलग अलग जगहों पे ये प्रथा चल रही है। और जैसे मैंने एक बार पहले भी हम दोनों ने डिस्कस किया कि जब तक ये बहुत एक हादसा नहीं बन जाता, जब तक कोई खून खराबा नहीं हो जाता, कुछ लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेते, तब तक वो न्यूज़पेपर में बात ही नहीं आती है। ये बातें फैमिली में रहती हैं, पूरी फैमिली को बर्बाद भी कर देती हैं, लड़की की लाइफ बर्बाद कर देती हैं, उसके माँ बाप की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है कई बार। और ऐसी चीज़ें जब तक हम लोगों तक ये बात नहीं लाएंगे कि एक औरत की जो पवित्रता जिसे वो कहते हैं उसको आप सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि वो जो आप चीज़ देखना चाह रहे हैं वो शायद कई और वजहों से भी जा सकती है। जैसे ये कोरी की प्रथा है, आई एम श्योर आपने बता चुके हैं, कुकड़ी प्रथा है, कुकी प्रथा है जिसके बारे में ये फिल्म की। वाइट बेडशीट दी जाती है न्यूली वेडेड कपल को, पर नेक्स्ट डे अगर उस पर ब्लड का स्टेन ना हो तो जो ब्राइड है उसको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो वही प्रथा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ मेरा कैरेक्टर मना करता है कि मैं ये प्रथा नहीं मानूंगी, और अक्षय मेरा हस्बैंड को कैसे सपोर्ट कर रहा है
पहले वो भी नहीं समझता है, बाद में जब उन्हें पता चलता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और कैसे फिल्म आप देखिए तो आपको पता चलेगा तो कैसे हम लोगों को एजुकेट करते हैं। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक अच्छा वेल मीनिंग कैरेक्टर है, बट वो मानती है इस प्रथा को, क्योंकि उसने सालों से ये प्रथा देखी है, अपने परिवार में जनरेशन से देखी है, तो उसके उसको उसमें कुछ गलत लगता नहीं है। तो जब एक नई बहू आती है घर में और वो कुछ एजुकेशन लाती है इस बात में कि यही एक वजह नहीं है कि लड़की ने कुछ गलत काम किया है, या गलत नहीं भी कहो उसे, या प्री मैरिटल सेक्स हुआ है, इसकी एक ही वजह नहीं है, बहुत और वजहें भी हो सकती हैं। और आई थिंक आज के ज़माने में, और ये जो एक बहुत बड़ी बात आई थिंक बात लेते हैं कि किसी मर्द से और लड़के से कभी नहीं पूछा जाता कि आप वर्जिन है कि नहीं, पर लड़कियों से अक्सर पूछा जाता है, और उसका उसका कैरेक्टर को भी जज किया जाता है कि अगर लड़की का अफेयर था शादी से पहले तो वो कैरेक्टर लेस है, और लड़के की अगर चार गर्लफ्रेंड हो तो वो स्टड है। तो वो हमारे जो जेंडर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो, और ये भी माना जाता है कि आदमी को हक है ये सब करने का। और एक ये छोटी सी बात मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर चीज़ जो ख़राब होती है सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो औरतों से ही क्यों होती है, चाहे वो डाउरी की प्रथा हो, चाहे वो सती की हो, चाहे वो हम लोग चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मेल इन्फेंटिसाइड हमने कभी टर्म सुना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ होती हैं। तो अब हमारा समाज काफ़ी एजुकेटेड हो गया है, मून तक हमारे साइंटिस्ट जा रहे हैं, हमारे नासा और हमारे वेरियस, और फिर भी हम ये चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अगर बात इस तरीके की आती है, और आपका जो कहना है कि लड़की से पूछा जाता है, तो लड़की से पूछा जाता है कि आप किधर से, आपको ये नहीं लग रहा कि आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हो? नहीं, किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं कि ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए, हम असलियत दिखा रहे हैं देश को, हम ये नहीं कि हम वेस्टर्न फिलोसफी यहाँ पर नहीं लेकर के आ रहे हैं, हमारी बहुत ही देसी शुद्ध देसी फिल्म है। एग्जैक्टली, एक गांव की कहानी, गांव की कहानी है। यूपी में, महाराष्ट्र में हमारे साथ एनजीओ के लोग जुड़े हैं, वो आए हैं फिल्म देखने, जहाँ पे नासिक में सच में उनके साथ ये हुआ है, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं और वो आपको बता सकते हैं, उन्होंने ये देखा है, बचपन से देखा है ये सारी चीज़ें। तो गाँव की कहानी है, असल कहानी है, शुद्ध कहानी है, देसी कहानी है, और इट्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट हैपेंस इन इंडिया, इट हैज नथिंग टू डू वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें बिल्कुल इसका कोई, और इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी बहुत सारी अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, लंदन में भी हो रहा है। इनफैक्ट प्रिंसेस डायना तक का वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था, सो आप देखिए वो रॉयल फैमिली से लेके यहाँ तक अभी भी लोगों के मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। हम इस पिक्चर के थ्रू यही समझाना चाहते हैं। राजबब्बर जी के साथ मैं ये कहूँगी कि अब सेकंड इनिंग में जब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो और कंफर्ट लेवल है। पहले हम लोग मतलब बहुत फॉर्मल कोलीग्स थे, अब मैं कहूँगी कुछ हद तक हम लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में बात भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मे बी उस वक्त मैं भी बहुत छोटी उम्र की थी, तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी हमारी, सिर्फ सीन करते थे और फिर मैं इस साइड पर वो साइड पर जाते थे, पर अब हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इन दोनों के साथ दो बार काम कर चुका हूँ, हमने रिसेंटली एक OTT का शो किया था जिसमें अक्षय भी थे और राजीव भी थे, तो वो उस टाइम पे हमारी थोड़ी आइस ब्रेक हुई थी। इस फिल्म में तो हम लोग बिल्कुल एक फैमिली जैसे हो गए थे, और आउटडोर में ये होता है अक्सर कि जब पूरा दिन रात किसी का शॉट चल रहा हो, दूसरे बैठे हों, चार चार पाँच पाँच घंटे एक दूसरे की वेट करें, क्यूज देते हैं एक दूसरे को, डिस्कस करते हैं सीन, तो एक और दोस्ती और अपनापन और हो जाता है। इसका विषय सबसे पहले तो महिला जो स्त्री होती है घर में, औरत होती है समाज में, उनको किस तरह से न्याय मिले, उनका आत्मसम्मान, उनकी प्राइवेसी, उसके बारे में जिस तरह से बात की गई है फिल्म में, जैसे एक कई, आज भी हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं लेकिन आज भी समाज में कई भी ऐसी प्रथा है जो प्रथाएं बंद होनी चाहिए, तो इसमें हम लोग ने वर्जिनिटी टेस्ट के ऊपर एक लव स्टोरी के थ्रू वो बात को कहने की कोशिश की। मतलब सिनेमा में बहुत अच्छे अच्छे सारे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, राज बब्बर साहब, पूनम धिलोन, अक्षय ओबेरॉय, खनक बुद्धि राजा,
बाकी सारे एक्टर्स ने राज अपना दर्शन जरीवाला केतकी दवे सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे किरदार हैं जो सोसाइटी में आपको दिखाई देंगे एक बहुत ही नेचुरल सी लव स्टोरी और प्यार के बीच में प्रथा कैसे आ जाती है और वो प्रथा के कारण प्यार में कैसे बिखराव होता है और फिर कैसे वो प्रथा चली जाती है और प्यार वापस मिलता है इस तरह का नैरेटिव इस सिनेमा का है एक कोरी प्रेम कथा मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी दुनिया में कई जगह पर हम लोग स्त्री को एक अलग नज़रिए से देखते हैं अलग नज़रिए से तोलते हैं तो आई थिंक वी शुड लर्न समथिंग एंड वी शुड रिस्पेक्ट विमेन इमेंसली एंड दिस सिनेमा विल गिव यू नो द ग्रेट एस्पेक्ट फॉर द विमेन फॉर दिस कल्चर एंड इट्स अ ग्रेट मतलब मज़ा आया मुझे ये सब कलाकार के साथ काम करने का संगीत में बहुत अच्छा एक लव सॉन्ग है जिसमें बहुत अच्छा विकी प्रसाद ने एक करेक्ट म्यूजिक दिया है और साथ में जैसे हमारे कल्चर में जो पुराने जैसे नुक्कड़ में जैसे सॉन्ग होते थे और ऐसा भी एक बेहतरीन सॉन्ग है कि जो सॉन्ग के प्रति हम लोग प्रथा में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको दिखाने की कोशिश की मतलब जैसे हम लोग ने कहानी के बारे में जब सबसे पहले ये कहानी के बारे में जब बात हुई तब तो ऐसा लग रहा था कि ये कहानी मतलब ऐसा आज की तारीख में वर्जिनिटी टेस्ट जैसा हो रहा है कि नहीं फिर रिसर्च किया सब लोग ने सब पता चला थे राजबब्बर साहब और पूनम जी ने बहुत अच्छी तरह यू नो हम लोग को कहा कि ऐसी सिनेमा बननी चाहिए वो लोग भी थोड़े अमेज थे ये सुनकर और ऐसे सारे कलाकार अंदर आए थैंक यू सो मच थैंक यू